बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हो। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे डायगोनल्स, सॉरी क्वाड्रिलेटरल होंगे, द डायगोनल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमने पढ़ा था उसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है और रोम्बस, ये चार क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा, आर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये हमने दो केसेस में पढ़ा था, एक स्क्वायर और एक रोम्बस, दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर स्क्वायर एंड रोम्बस। तीसरा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, जिनके डायगोनल्स लेंथ में इक्वल हों। ठीक है, तो दो हमने ऐसे केसेस पढ़े थे, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का, जिनके दोनों के जो डायगोनल्स हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स और रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ओ जो है वो मिड पॉइंट है, इस राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इट मीन्स ए सी का। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो हमने एक जो ओ है ये इक्वी डिस्टेंस है ए से, बी से और सी से, सेम डिस्टेंस पे है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो इस फिगर में हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली बाय टू हेल्प यू। ठीक है, इसको हमने थोड़ा एडिशनली ड्रॉ कर दिया है, तो ये एक कुछ पैरेललोग्राम जैसा नज़र आ रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम जिसमें हमें पता है जो ए बी सी है ये 90 डिग्री है, बिकॉज ये राइट एंगल मेंशन करी हुई है। ठीक है, जिसमें बी हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। ठीक है, उसके बाद में सिंस डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर के रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, दैट इज़ ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ए सी। ठीक है, बी डी जो है ये डायगोनल होगा, ए सी जो है डायगोनल होगा। ठीक है, और ये इन्हीं का कॉमन बाइसेक्टर पॉइंट आ रहा है ओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड इज़ सेम डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, तो ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, दैट्स वाई ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी।